हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज का ये चैप्टर जिसका नेम है स्टॉक एक्सचेंज। इस चैप्टर के काफी सारे टॉपिक्स पहले ही कवर हो चुके हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं वो, उन सारी वीडियोस के लिंक आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप वो वीडियोस भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो पहले हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का टॉपिक भी कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में अब हम कवर करने जा रहे हैं ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। यस, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया ट्रेडिशनल स्टॉक एक्सचेंज से थोड़ा सा हटकर है। इस स्टॉक एक्सचेंज के जो टर्मिनल्स हैं वो पूरी कंट्रीज में फैले हुए हैं। मतलब ट्रेडिंग करने की, ट्रांजैक्शन करने की कोई एक स्पेशल जगह नहीं है, जिसको हम बोलते हैं मतलब रिंगलेस। सारे टर्मिनल्स ऑल इंडिया में फैले हुए हैं। जो भी आपको ट्रांजेक्शन करनी होती है वो ट्रांजेक्शन सैटेलाइट कम्युनिकेशन से या टेलीफोन के माध्यम से आप कर सकते हो। यस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन या टेलीफोन के माध्यम से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, इसलिए सारी ट्रांजेक्शन कंप्यूटराइज्ड है। ट्रांजेक्शन की स्पीड काफी अच्छी है। सारी ट्रांजेक्शन कंप्यूटर के थ्रू होने की वजह से, इंटरनेट के थ्रू होने की वजह से सारी ट्रांजेक्शन के अंदर ट्रांसपेरेंसी रहती है। मतलब ट्रांजेक्शन के अंदर गड़बड़ नहीं होती, पारदर्शिता रहती है। गड़बड़ होने की संभावना खत्म हो चुकी है। अब बात आती है कि इसकी स्थापना कब की गई। 1990 में इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग इसकी स्थापना की गई है। इसके प्रमोटर्स कौन कौन से हैं? आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, एलआईसी, जीआईसी, एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड, यूटीआई, कैन बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके फीचर्स क्या है और इसके नेचर की बात, फीचर्स या नेचर क्या है डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो नेचर है मैंने आपको अभी डिस्कस किया है कि इसके जो टर्मिनल हैं वो पूरे देश में फैले हुए हैं। तो पूरे देश में फैले होने की वजह से आप कहीं पर भी किसी कंप्यूटर काउंटर पे जाकर आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। सेल परचेज सिक्योरिटीज की आप किसी भी काउंटर पे कर सकते हो। तो ये नेशन वाइज लिस्टिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता है। आप कहीं पर भी जाकर सिक्योरिटीज की लिस्टिंग करा सकते हो पूरी कंट्री के अंदर किसी भी कंप्यूटर काउंटर पे, क्योंकि जितने भी कंप्यूटर के काउंटर्स हैं वो सेंट्रल टर्मिनल से जुड़े हुए हैं। तो आप किसी भी कंप्यूटर काउंटर पे जाकर ट्रांजेक्शन करते हो, वो ट्रांजेक्शन अल्टीमेटली सेंट्रल टर्मिनल से अटैच है, तो वो आपको सेंट्रल टर्मिनल से अटैच कर देती है। दूसरी बात जो आपको बता रहा था, टर्मिनल्स पूरी इंडिया में फैले हुए हैं, आप किसी भी टर्मिनल के ऊपर जाके ट्रांजेक्शन कर सकते हो, सेम बात है। टॉपिक नंबर थ्री, स्क्रीन बेस्ड स्टॉक एक्सचेंज। यस, क्योंकि ये सारी ट्रांजेक्शन कंप्यूटराइज्ड होती हैं, इसलिए हम इस टॉपिक को ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया को हम स्क्रीन बेस्ड स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। टॉपिक नंबर फोर, इजी एक्सेस। आप कहीं पर भी जाकर एक्सेस कर सकते हो। फायदा क्या हुआ है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा इन्वेस्टर भी अब इन्वेस्टमेंट करने लगा है। इस स्टॉक एक्सचेंज ने हमारा काम बहुत इजी कर दिया है। एक्सेस कहीं से आप कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है, इस स्टॉक एक्सचेंज में 30 लाख अगर किसी कंपनी की इश्यूड कैपिटल है तो 30 लाख कम से कम इश्यूड कैपिटल होनी चाहिए, वो भी अपनी सिक्योरिटीज को लिस्टेड करवा सकती है। अदरवाइज कुछ स्टॉक एक्सचेंज ऐसे हैं जहां पर लिस्टिंग करवाने की, अपनी सिक्योरिटीज को लिस्टिंग करवाने की एक लिमिट है कि उनकी इश्यूड कैपिटल कम से कम 3 करोड़ या 10 करोड़ होनी चाहिए। तो अगर किसी कंपनी की अगर इश्यूड कैपिटल मतलब 3 करोड़ से कम है तो वो कहां पे जाएंगे, तो उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ये आया ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज। तो मतलब 30 लाख भी अगर आपकी कंपनी की इश्यूड कैपिटल है तो आप अपनी कंपनी की सिक्योरिटीज को लिस्टेड करा सकते हो। टॉपिक नंबर सिक्स, परमिटेड सिक्योरिटीज। तो अगर किसी कंपनी के शेयर्स के, डिबेंचर्स के, बॉन्ड्स के, सिक्योरिटीज के पहले ही किसी ट्रेडिशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टिंग हो चुकी है तो उन सिक्योरिटीज का आप लिस्टिंग इसके साथ नहीं करा सकते। पर फिर भी कुछ शेयर्स, डिबेंचर और म्यूचुअल फंड्स के लिए छूट दे दी गई है, जिसको आप वहां पर रजिस्टर्ड होने के साथ साथ, वहां पर लिस्टेड होने के साथ साथ उसको यहां पर भी लिस्टेड करा सकते हो। यहां से भी अपने ट्रांजेक्शन को सेल या परचेज में डलवा सकते हो। तो आपकी सिक्योरिटीज वहां पे भी सेल परचेज होती रहती हैं और यहां इस काउंटर के अंडर में भी आपकी सिक्योरिटी सेल परचेज हो सकती हैं। तो फैसिलिटी काफी अच्छी कर दी गई है पहले से भी।
पर्पस क्या है इसका। पहली बात ग्रीवेंस, मतलब शिकायतों का समाधान करना, समस्याओं का शीघ्र निपटारा करना। कुछ कस्टमर्स, कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो काफी सारी कंप्लेंस करते हैं, तो उनकी कंप्लेंस का समाधान थोड़ा और तेज हो गया है, प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सुना जाता है, उनको जल्दी से निपटाया जाता है। दूसरी बात लिक्विडिटी, ट्रांजेक्शन्स के अंदर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, ओवर द काउंटर है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, आप अपनी सिक्योरिटीज को कभी भी सेल परचेज कर सकते हो, आप जाओ सेल करने के लिए आपको पैसा अवेलेबल हो जाएगा, तो लिक्विडिटी काफी अच्छी है, ट्रांजेक्शन की स्पीड काफी है, पारदर्शिता है, गड़बड़ होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो स्पीड बहुत बढ़ने के साथ साथ लिक्विडिटी भी है। तीसरी बात मैं भी बता ही रहा था, ट्रांसपेरेंट इन ट्रेडिंग या ट्रांजेक्शन, ये बात मैंने अभी आपको डिस्कस कर दिया है। चौथी बात सेटलमेंट साइकिल बहुत छोटा हो चुका है, पहले किसी भी ट्रांजेक्शन की सेटलमेंट करने में काफी काफी दिन लग जाते थे, अभी ट्रांजेक्शन की सेटलमेंट करने के अंदर बहुत कम समय लगता है, आपकी जो सिक्योरिटी का सेल परचेज है वो बहुत जल्दी हो जाता है, आपने सेल करना है, सेल करकर आपके पैसे को आपके अकाउंट के अंदर जमा कर दिया जाता है, आपने कोई सिक्योरिटी परचेज करनी है तो उसकी परचेज की डीलिंग भी बहुत जल्दी फिक्स हो जाती है, तो सेटलमेंट का साइकिल पहले बहुत छोटा हो चुका है, पहले सेटलमेंट करने में हो सकता है काफी काफी टाइम लग जाता था, अभी वो टाइम बहुत कम हो चुका है। टॉपिक नंबर 5 एक्सेस, एक्सेस की बात पहले भी हम कर चुके हैं कि आप किसी भी टर्मिनल के ऊपर जाकर अपनी सिक्योरिटीज को सेल परचेज करने के लिए एक्सेस कर सकते हो, काम बहुत इजी हो चुका है, पूरा काम कंप्यूटराइज्ड है, आप काम टेलीफोन के थ्रू, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू भी कर सकते हो। टॉपिक नंबर 6 लिस्टिंग ऑफ स्मॉल कंपनीज, इसका आने का पर्पज ये भी था कि पहले बड़ी बड़ी कंपनीज की सिक्योरिटीज को ही लिस्टेड किया जाता था, छोटी छोटी कंपनीज अपनी सिक्योरिटीज को लिस्टेड कराने से रह जाती थी, उन कंपनी की ओपन मार्केट के अंदर पहचान ही नहीं बन पाती थी, वो कंपनीज फेमस ही नहीं हो पाती थी क्योंकि उनकी इश्यूड कैपिटल ज्यादा थी ही नहीं, तो उन कंपनीज की सिक्योरिटीज को लिस्टेड किया जा सके, छोटी छोटी कंपनीज भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, स्टॉक मार्केट में उतर सके, तो इसका आने का पर्पज ये भी था कि छोटी छोटी कंपनीज की सिक्योरिटीज को भी लिस्टेड किया जा सके। तो ये था हमारा ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया का टॉपिक, तो नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर को हम आगे और कंटिन्यू करने वाले हैं, तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।